Please get ready for Hindi dictation. 5 seconds. Start. उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक और विपक्ष का सवाल है, आप जिस तरीके से बिलों में लगातार कुछ न कुछ नए संशोधन लाकर जिस तरीके से विपक्ष को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, यह सरकार की सेहत के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है। हम यह जरूर चाहेंगे कि आप जिन बिलों को आज जिस संशोधन के साथ लाना चाहते हैं, उसमें यदि आप बहुत मजबूत हैं, निश्चित रूप से आप बहुत सशक्त और ताकतवर हैं, आप देश बनाना चाहते हैं, फिर आप कमज़ोर विपक्ष से डरते क्यों हैं? क्यों नहीं आप कमज़ोर विपक्ष को और मजबूत करके अपनी ताकत को मजबूत करते? मुझे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। यह देश, दुनिया और हर व्यक्ति इस बात को बोलता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कौन सा विभाग है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बातें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो निदेशक के बारे में आई हैं, इसका क्या कारण है? यदि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इतना मजबूत है, तो लोकपाल जैसे बिल को लाने की बात क्यों आई? और इतने दिन अन्ना हजारे ने इस देश में जिस तरीके से आंदोलन किया, उन्हें लगातार इतने बड़े आंदोलन में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। उपाध्यक्ष महोदय, एको हम द्वितीय नास्ती, इस सरकार की स्थिति भस्मासुर वाली होती जा रही है। माननीय मंत्री जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, जब जब किसी को शक्ति मिलती है तो शक्ति का दुरुपयोग इस कदर होता है। हम सिर्फ 2-3 बातें आपसे कहना चाहते हैं। यह जो सरकारी संस्था है, आज तक हम उस सरकारी संस्था को बहुत सुंदर नहीं बना पाए हैं। हमारी गुणवत्ता उन सरकारी संस्थाओं को बनाने में नहीं लगी है, और अब नए नए तरीके से अन्य सरकारी संस्थाओं को आप अधिकारियों के हाथों में देते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि बुद्धम शरणम गच्छामि जो आते हैं, सिर्फ अधिकारियों को बुद्धम शरणम गच्छामि इस देश में किया जाता है? क्या अन्य कोई ऐसी संस्था, अन्य कोई ऐसी सामाजिक संस्था वाले लोग इस देश में नहीं हैं जिनको सुविधाजनक बनाया जाए और उनको लाकर संस्थाओं को बहुत सुंदर बनाया जाए? दूसरी चीज़ यह है जो बार बार कुछ लोगों की ही बात आती है, क्या इस देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा फुले, पेरियार, बाबू वीर कुंवर सिंह, राष्ट्रकवि लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार पटेल जैसे लोग नहीं हैं जिनके नामों से कुछ भी खोला जा सकता है? क्या अन्य चीज़ें नहीं हो सकती हैं? निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात आई, वहाँ वे रहे हैं, वे फूलपुर से चुनाव लड़े हैं, उनका संविधान में योगदान है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन इन सारी महान विभूतियों के बारे में हमारे राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मैं टैगोर जी की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं ही की बात कर रहा हूँ। मेरे संदर्भ और मेरी भावना को समझिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार जिस किसी के नामों को लाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम को लाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश में अन्य विभूतियां भी हैं, नानक भी हैं, कबीर भी हैं, गुरु गोविंद सिंह भी हैं, जिस देश में बहुत सारे लोग हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, सबके नामों से हो, मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दिया जाए। महोदय, फतेहपुर सीकरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, वहाँ से आगरा 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा में 40 साल से यह मांग चली आ रही है कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए, मगर जमीन की कमी के कारण, जमीन नहीं मिलने के कारण वहाँ पर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि फतेहपुर सीकरी 3 राज्यों को जोड़ता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग खुद हैं। अगर यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो निश्चित तौर से वहां से बहुत राजस्व की प्राप्ति होगी। आज फतेहपुर सीकरी में 40,000 विदेशी पर्यटक और देसी 3,00,000 पर्यटक आते हैं। इनसे लगभग 15 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। ताजमहल यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी की दूरी पर है। यहाँ करीब 70,00,000 विदेशी पर्यटक आते हैं और लगभग 35,00,000 देसी पर्यटक आते हैं, जिससे सरकार को 70 से 80 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में मिलते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही है।
फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा विश्व में सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती की दरगाह है। लाखों विदेशी पर्यटक उससे देखने के लिए एवं पूजा करने के लिए आते हैं। फतेहपुर सीकरी से भरतपुर पक्षी अभयारण्य तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे लाखों पर्यटक देखने आते हैं। फतेहपुर सीकरी से मध्य प्रदेश का 180 किलोमीटर ग्वालियर हवाई अड्डा है। फतेहपुर सीकरी से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी 280 किलोमीटर है। फतेहपुर सीकरी से लखनऊ हवाई अड्डे की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। फतेहपुर सीकरी से जयपुर हवाई अड्डा भी करीब 280 किलोमीटर दूर है। अतः यह उपयुक्त और एक ऐतिहासिक जगह है और पर्यटकों को काफ़ी दूरी तय कर हवाई यात्रा करनी पड़ती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में वकील तथा विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ को स्थापित किए जाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर आज एक बार फिर संसद भवन के सम्मुख उपस्थित हुए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठाई जाती रही है। मैंने पहले भी अनेक बार इस मांग को सदन में तथा माननीय मंत्री जी के सम्मुख उठाया है, परंतु काल ब्रह्म नियमों एवं व्यवस्थाओं में खंडपीठ स्थापना के निर्णय की प्रक्रिया फंस कर रह जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम उत्तर प्रदेश के करोड़ों वादकारी आज भी सस्ते एवं सुलभ न्याय से वंचित हैं। इस अन्यायपूर्ण स्थिति के कारण वर्षों तक वकील की फीस देने तथा इलाहाबाद आने जाने व ठहरने खाने का इंतजाम करने में ही इस क्षेत्र के वादियों के खेत व मकान तक बिक जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से तथा विशेषकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उसमें व्याप्त जड़ता को समाप्त करने का कष्ट करें तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने हेतु मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कराने की कृपा करें। स्टॉप।